दोस्तों आज मैं थोड़े नाल बहुत अहम मसले पर गल करनी है जिहड़ा साडे सूबे दे नाल साडी कौम दे नाल साडे भविख दे नाल जुड़िया होया वा। और वो मसला है कि पिछले दिन ही दरबार साहब विखे अकाल तख्त साहब विखे 6 जून नूं जिहड़े समागम होए हर साल की तरह के जो हमला होया सी 1984 उस नूं लैके उहदे विच ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी जिहड़े अकाल तख्त साहब के जथेदार ने उन्हां दी मैं तकरीर सुनी आ। बहुत बादलील उन्हां दी तकरीर सीगी और उन्हां दा जिहड़ा पत्रकारां दे नाल जिहड़ी सीगी इंट्रोडक्शन ते गलबात सी उह वी मैं सुनी। पत्रकार उन्हां नूं दुबारा दुबारा पुछ रहे सी कुछ पत्रकार कि खालिस्तान बारे तुहाडा की विचार है, खालिस्तान बारे तुहाडा की विचार है, खालिस्तान बारे की तुहाडा विचार है। तो ज्ञानी हरप्रीत सिंह जथेदार साहब ने कहा कि अगर सानू भारत की सरकार खालिस्तान दे देगी तो असीं ले लांगे। इस गल दे उत्ते फिर बहुत बवाल उठा, बहुत सारे टेलीविजन स्टूडियोज़ में डिबेट्स डिस्कशनस हुए और मैं कुछ दिनों तो देख रहा सीगा कि जिहड़े पंजाब दे आगू ने वो जो खालिस्तान का जिक्र आता बहुत डरते हैं, बहुत घबराते हैं और बड़ा बेतुकियां दलीलां ते बड़े आप हुदरे बयान देंगे ने घबराहट में आ के, क्योंकि जो तुसी मन तो सच्ची गल नहीं कह रहे बनौटी गल कहने हो तो तुसी कितने ना कितने धोखा खाओगे। मैं खालिस्तान का हमायती नहीं करता, मैं कोई खालिस्तान की सपोर्ट नहीं करता, पर जिहड़ा ज्ञानी हरप्रीत सिंह जथेदार साहब ने दलील दी एक वितकरे की दास्तान गनाई उन्होंने पूरी किस तरह जिहड़े सिख सीगे पंजाबी सब तो वड्डा खमियाजा उन्होंने जिहड़ा पाकिस्तान ते भारत का बंटवारा होया उहदे विच सब तो ज़्यादा नुकसान सिखां ने ते पंजाबियों ने उठाया, जायदादां उजड़ गईयां, कतलो गारत हुई, लाशां डिग्गियां और बहुत वड्डी तादाद विच शायद एड्डा वड्डा होलोकॉस्ट कदी आम इतिहास विच नहीं देखण नूं मिलिया। पर उन्होंने भारत का साथ देण दा निर्णय लिया और इस तो पहला जो अंग्रेज़ों के नाल लड़ाई चल रही थी तो ये कोई अथकथनी नहीं गई कि सब तो वड्डा योगदान भी उस वक्त बहादुर पंजाबियों ते सिखां ने पाया। आप भगत सिंह होना दी सुखदेव राजगुरु की गल जानते हैं, करनैल सिंह ईसूरी की कुरबानी जानते हैं, कित्थे गोआ इस देश की आज़ादी में सब तो ज़्यादा फांसियां दे रस्से सिखां ने ते पंजाबियों ने चुमे, दूर दुराडे काले पानी दीयां कैदां कट्टियां, भारत आज़ाद हो गया। सारे सूबिआं नूं ज्ञानी जी कह रहे ने, मैं नहीं कह रहा, सारे सूबिआं नूं अपनी भाषा के आधार के उत्ते सूबे बनाउण दा अधिकार मिल गया, चाहे वह तमिलनाडु सी, चाहे वह केरला सी, चाहे वह आंध्र प्रदेश सी, पंजाब नूं पंजाबी जुबान के आधार के उत्ते अपना सूबा नहीं बनाउण दित्ता। फिर साडे पुरखियां ने मोर्चा लाउणा पिआ, जदोजहद करनी पई, कुरबानियां देनिया पईआं, बहुत मुश्किल दे नाल 1966 दे विच अज जिहड़ा पंजाब जिस शक्ल विच उह सानूं पंजाब मिलिया, पर मिलिया लंगड़ा लूला, साडी राजधानी चंडीगढ़ साडे तों बाहर कर दित्ती गई। जिस हरियाणे ने कोई जदोजहद नहीं की, कोई मंग नहीं की सूबे की, उन्होंने ऑटोमैटिकली सूबा मिल गया। जिस हिमाचल प्रदेश ने कभी स्टेट की मंग नहीं की, उन्होंने शिमले की राजधानी भी मिल गई तो उन्होंने सूबा भी मिल गया, साडी पंजाबी बोलदे इलाके बाहर रह गए। और इत्थी बस नहीं, छेती उस वक्त की भारत की सरकार ने यूनीलैटरली पानिया का अवॉर्ड कर दिता, साढ़े दरियाई पानी जेडे इंटरनेशनल रेपेरियन लॉज़ में छिके ते टंग के वो सारे पानी चक के बहुत वड्डी तादाद मिलियन एकड़ फुटा दे विच MAF दे विच राजस्थान में देते, हरियाणे में देते, दिल्ली में देते। ये कोई छोटा वितकरा नहीं सीगा, ये सानू भारत की आज़ादी में योगदान पाउण वास्ते ते पाकिस्तान तो उजड़ के भारत में आउण वास्ते ते इस देश का साथ देण वास्ते इहदा भविख बनाउण वास्ते सानू पहला तोहफा दिता गया। पर सिख ते बहादुर पंजाबी कदी पिछे नहीं हटे, चाहे वह 71 की जंग सी पाकिस्तान दे नाल, चाहे वह चीन दे नाल जंग सी, चाहे हुण ताज़ियां कारगिल दीयां जंगां सी, सब तो ज़्यादा फिर मूहरे हो के पंजाबियों ने लड़ाइया लड़ियाँ और फिर उन्हां दे ही जिहड़े शरीर सीगे खफनां दे विच उन्हां दे पिंडां विच पहुंचे, पर फिर भी पिछे नहीं हटे।
पाणिया के इस काणी वंड तो बाद इस वितकरे तो बाद फिर दरबार साहब से जो 1984 हमला होया वो एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स से सारी सरकार को पता सीगा कि उदों शहीदी पुरब चल रहे ने बहुत वड्डी तादाद में श्रद्धालु सारे औरतां बच्चे बजुर्ग दरबार साहब के अंदर हफ्ता वेट भी कर सकती सी सरकार लेकिन शायद ऐ लगता कि उन्होंने उही दिन चुने और एक बहुत वड्डा तोपां ते टैंकां दे नाल अकाल तख्त साहब ते हमला होया। अकाल तख्त साहब तो टट गया पर विचारधारा नहीं टटी, शायद जानते नहीं गए। इदा तो फिर कई बार नसलकुशी घल्लूघारे हुए सिखा दे मुगलों ने, अबदालिया ने, दुरानिया ने, साढ़े दो वड्डे घल्लूघारे इतिहास में दर्ज ने। हज़ारा की तादाद में बेगुनाह बच्चों के औरतों को मारता सीगा पर इदा तो सिख नहीं सी मुके। उस तो बाद 1984 के नवंबर दे विच फिर एक बार सिख कौम का कतलेआम होया हज़ारा की तादाद। मैं हुण उहदे च शब्द नहीं वरतना चाहता, बलात्कार टैर पा के वगैरह वगैरह सब कुछ किया गया। तो मैं अपने आगुओं को पूछना चाहता वा जिहड़ा ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने गल कही है, तुसी बादलील देखो साडे नाल एक वितकरा दी दास्तान है। मैं तो सिर्फ भारत सरकार तो जिहड़े अज राज करदे ने देश विच जिहड़ियां पुरानियां पार्टियां सीगियां उन्हां नूं सोचना चाहीदा वा कि नौबत क्यों आ रही है। जिहड़ी कौम देश की आज़ादी में सब तो हिस्सा पाती है, बॉर्डर से राखी करती है, खेडा सब तो अगे जाती है हर गल, बल्कि मैं भुल चलिया सीगा अनाज में योगदान पाया जो सारा देश भुखा सौंदा सी, पंजाब ने सारे देश का अनाज का ढिड भरिया, अज आप भुखे ने किसान। तो भारत सरकार ने कभी ये नहीं सोचा कि जिहड़ी कौम साढ़े लिए लड़ती आ, जूझती आ, मरती आ, घर उजाड़ के आँदी आ, इन्हों कोई ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इन्हों का ध्यान रखना चाहिए। और कमिटमेंट सीगियां उस वक्त के कांग्रेस के लीडर्स पंडित जवाहर लाल नेहरू हुणा ने जो सिखा वू किया, साड़ी जी उस वक्त की लीडरशिप से मास्टर तारा सिंह जी, उन्होंने यह भरोसा दवाया गया सीगा कि जो तुम साढ़े नाल आओगे असं तुहानू तुहाडा तुहाडी आर्थिक तरक्की का ध्यान रखांगे, तुहाडी धार्मिक परिपक्वता ते आज़ादी का ध्यान रखांगे, तो तुहानू जिहड़ा हैगा इस देश में पूरा मान सत्कार दिता जाऊगा। ਆਹ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗਿਣਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪੈਦਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਛਤਾਤਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੈਕੂਲਰ, ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉਲਟ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਾਇਲੈਂਸ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ, ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੋਰ ਸਾਰੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਡਿਬੇਟ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਨੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ 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 ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੈਕੂਲਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ BJP, RSS, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਗੂ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਉਹ ਵੱਖਵਾਦੀ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਲੱਗਵਾਦੀ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਪੰਥ ਦੇ ਧਰਮ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜੈਨੀ ਨੇ, ਬੋਧੀ ਨੇ, ਈਸਾਈ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ, ਦਲਿਤ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ ਗਾ? ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਰਿਹਾ ਵਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, 40 ਸਾਲ ਗੋਲਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਇਸ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨ ਸੀ, ਮੁਗਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਜਨਰਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਹ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁੱਦੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੀਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਜਰਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ। ਅਫਕੋਰਸ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੀਗੇ, ਉਹ
इस तरह का राज है, एक भी व्यक्ति उदो कैपिटल पनिशमेंट नहीं हुई, एक भी बंदे फांसी का कोई सज़ा नहीं दी गई, सर्व धर्म सारिया धर्मां का मान सत्कार किया। तो मैं तो सिर्फ अपने वीरां कहना चाहना वा कि इन्हें डरते क्यों तुसी? हाँ दलील नाल गल करो, आ सारिया जिहड़ियां गल्लां ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी अकाल तख्त के जथेदार ने गणाईया ये गणाउण, मैनू श्रोमणी अकाली दल से भी थोड़ा अफसोस आ कि तुसी तां यारो एक सिखां दी जमात सी, अपने पुरखियां ने गुरद्वारा साहब जो आज़ाद कराए महंता नाल लड़ाइया लड़िया उत्थों पैदा होए, तुसी गुरद्वारा लहर चों श्रोमणी अकाली दल बनिया, मोर्चे धर्म युद्ध का मोर्चा, कपूरी का मोर्चा, पंजाबी सूबे का मोर्चा, चाबियां का मोर्चा, किन्ने मोर्चे लाए, किन्नियां ने शहादत दित्तियां, तुसी भी डरते हो, तुसी सगो उन्हां नूं पूरी दलील दे के जिहड़ी जथेदार साहब ने दित्ती उह समझाओ कि साढ़े नाल वितकरा हो रहा तां इह बेचैनी हो रही है। जिहड़ा 2020 का भी शोर मचा सी जदों मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन सीगा, मैं इसे तरीके नाल दलील दित्ती सीगी, हले सुणदे कोई नहीं गए इंटरव्यू विचार, पहला इल्जाम यह वक्खवादी है, यह अतवादी है, तो जिहड़ा अतवाद स्टेट स्पोंसर टेररिज्म साढ़े दे उत्ते कहर मचाया गया, जिहड़ा हज़ारां की तादाद में बेगुनाह औरतां बच्चियां बजुर्गों 1984 दे विच ना सिर्फ दिल्ली बल्कि सारे देश दे विच कतलोगारत किया गया, वो स्टेट स्पोंसर टेररिज्म नहीं सीगा। मैं वायलेंस के हक च नहीं गा, मैं खिलाफ हाँ, पर जो इंडिविजुअल वायलेंस करते हैं ना उन्हां वास्ते अपने कोल मशीन है, अपने कोल संविधान है, अपने कोल कोर्ट ने, अपने कोल कचहरियां, अपने कोल पुलिस है, सज़ा दिओ उन्हां नूं। ते जे उही काम स्टेट जिहड़ी कि ऑर्गेनाइज्ड एक पावर है, जे उही लोकां नूं बेदोशां नूं मारन ते उतर आवे उसनों अतवाद नहीं कहिंदे ते की होर कहिंदे ने? सुमेध सिंह सैणी, KPS गिल, JF रबेरो, जिहड़े लोगों ने झूठे पुलिस मुकाबलों में चक के अपने सिख नौजवान बच्चों मारिया उन्होंने अतवादी नहीं कहोगे तो होर की कहोगे दसो? और 36 साल अज तक कोई इंसाफ नहीं होया, कह कोई है किसी को जवाब? और मैं अफसोस ना कहना पैंदा साडे अकाली वीर साडे आम आदमी दे साडे उन्होंने यही जोर लगा रहिंदा कि असी सैकुलर हाँ, असी नैशनलिस्ट हाँ, साडी पार्टी सारे धर्मां दा सत्कार करदी, करना चाहिए वा, पर इन्ना डरते क्यों, इन्ना घबराने क्यों? हले भी सानू सर्टिफिकेट देना पवेगा भारत में रहने वास्ते कि असी देश भगत हैं, इन्ना कुछ करन तो बाद इन्नियां कुर्बानियां, इन्ने फांसियां, भगत सिंह वर्गे बहादुर योधे अनेक ने, हले मैं गिना नहीं सकता क्योंकि समा इजाजत नहीं दिंदा, सारा इस देश का अनाज का भंडार भर दिता, बॉर्डर के उत्ते राखी कर दी, स्पोर्ट्स नंबर एक के उत्ते लै गए मिल्खा सिंह जी वर्गे और होर बहुत सारे हॉकी के साडे खिडारी अज की डेट में प्रगट सिंह बैठे ने जलंधर के MLA, इन्होंने जो जाके बाहर झंडा झूलदा ओलंपिक्स के साड़ी भारत की शान बनती है ना, पर फिर भी सानू ये हले सर्टिफिकेट देना पैंदा वा कि असी नैशनलिस्ट हाँ। जिहड़े सुमेध सिंह सैणी इन्हों कोई सर्टिफिकेट नहीं, बंदे भी मार देन, KPS गिल साहब, JF रबेरो, दिल्ली में पुलिस की हाजिरी में राष्ट्र राजधानी के एडे वे पद्धर से कतलोगारत हो जाए उन्होंने कोई सर्टिफिकेट नहीं देना पैंदा। इसलिए मेरे वीरो इसे करके असं कहने कि सानू खेतरी पार्टी की लोड़ है, श्रोमणी अकाली दल साडी बेस्ट पार्टी सी, अनफॉर्चुनेटली साडे जदों इस परिवार के हाथ में आ गई उन्होंने सारा उसका एजेंडा खत्म कर दिता, उहदा जिहड़ा जिहड़े साडे सूबे दे साडे कौम दे इंटरस्ट सीगे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करता, सिर्फ सत्ता में रहने वास्ते, थोड़ा बहुत व्यापार चलाने वास्ते, थोड़े बहुत धन दौलत इकट्ठा करने वास्ते। जे अज फर्ज करो पंजाब दे विच जेन्युइन रीजनल पार्टी हो गई जिहड़ी आ 10 गल्लां जिहड़े वितकरे होए ने, ते 10 गल्लां जिहड़े साडे पंजाब नूं इस वक्त चुनौतियां दरपेश ने, चाहे वह ड्रग्स की है, चाहे वह आर्थिक संकट की है, चाहे वह एजुकेशन की है, चाहे वह हेल्थ केयर की है, चाहे वह करप्शन की है, चाहे वह जिहड़ियां सानूं किसानां दी आत्महत्या, चाहे वह दलितां दीआं ने, चाहे वह गुरबत की, चाहे वह मिडिल क्लास की, चाहे इंडस्ट्री की है, 10 गल्लां तों ज़्यादा नहीं गईआं कि असीं पंजाब दे विच एडे ना अहल ते नलायक बंदे आ पंजाब दे विच कि 3.25 करोड़ आबादी चों साडे कोल 5-7-10 बंदे चंगे नहीं गए जिहड़े पंजाब नूं अपनी अगवाई कर सकन? और ये जिहड़ा मैं अज तुहानूं इह गल दित्ता, मैं उदाहरण दे रहा कि किस तरह पूछ लैके भजदे ने दूजियां पार्टियां, क्योंकि उन्होंने उत्थे भी वोटां लैणियां ने। कांग्रेस ने भी हरियाणा, दिल्ली, पंजाब,
मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में वोटा लेनिया ने दे कैन नॉट स्पीक फॉर द इंटरस्ट ऑफ पंजाब द वे दैट पंजाब लीडर्स कैन स्पीक हेयर इन पंजाब। यही गल हुण आम आदमी पार्टी से भी लागू होगी। भगवंत सिंह मान का या तो इन्होंने लोगों को पिछोकड़ नहीं पता या इन्होंने कोई इतिहास नहीं पढ़िया चंगी तरह नाल कि साडे नाल की वापरिया तो साडे पुरखियां दीआं की कुरबानियां सी इन्हें पढ़िया नहीं चज नाल। इन्ने घबराहट में आण के बीबी बलजिंदर कौर ने अपने परिवार को ही एक किस्म का की कहते हैं कि तलंजली दे दी और होर भी इन्हों के कुछ आगू बोलते हैं। ठीक है, गुड गवर्नेंस होनी चाहिए है। मन लिया कि एजुकेशन के हॉस्पिटल जिदा दिल्ली के बनने साढ़े भी बनने चाहिए है। पर एक गल याद रखो, जे थोड़ी इस दस्तार का सत्कार नहीं, जे थोड़े बच्चे महफूज नहीं गए, जे थोड़े बच्चों चक के झूठे पुलिस मुकाबलों में मार के 36-36 साल पुलिस वाले बच सकते हैं, जे तो जिथे जे थोड़ा मान सत्कार नहीं गा, जे थोड़ी इंडिपेंडेंस नहीं गई, जे थोड़ा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रैशन नहीं गा, फ्रीडम ऑफ लैंगुएज नहीं गई, तो उत्थे तुसीं की कर सकते। ऐ तो फिर जे सड़कां बनाउणियां होंदियां, स्कूल बनाउंदे होंदे डिस्पेंसरियां, तो अफगानिस्तान अमेरिका वालों को जो मर्जी बनवा लैंदा, फिर ना लड़दा उन्होंने नाल, लड़ के पहला रशिया ना लड़े, रशिया टुट गया, हुण अमेरिका मिनटां कढ के तालिबान दियां। मैं किसी का सपोर्ट नहीं करता, माइंड यू मैं वायलेंस को सपोर्ट नहीं करता, पर उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को बचाने वास्ते अफगानिस्तान ने अमेरिका वर्गे सब तो ताकतवर शक्ति दे नाल लड़ाई लड़ी, कई दहाके लड़ी, और हुण अमेरिका जान बचा के उस तालिबान दे नाल समझौता करके तो फोर्सिस विदड्रॉ कर रहा। क्यों कर रहा अफगानिस्तान? उन्होंने भी स्कूल चंगे लगते हैं, उन्होंने भी हस्पताल ते डिस्पेंसरियां ते माड़े मोटे मोहल्ला क्लीनिक चंगे लगते हैं, पर जिते उन्होंने औरतों का बलात्कार कर बाहर देशों के आ के फौजी, डू यू थिंक दे विल एग्री एवर एग्री टू सो कॉल्ड फेक डिवेलपमेंट? और वैसे भी दसना मैनू 70 सालों के चलो पंजाब में तो छड़ दो, तुसीं कहिंदे कि पंजाब माड़ी लीडरशिप के हाथ में सीगा, मैं दस दौ बाकी देश में कितनी पुख्ता डिवेलपमेंट हुई है। सो साडा मानना वा कि डिवेलपमेंट चाहिए आ, पर डिवेलपमेंट के नाल तुहाडा मान सत्कार, तुहाडी हिफाजत, तुसीं इस देश में एक नंबर के नागरिक होवो। हाले तक सानू जिहड़ा सुनेहा दित्या गया ना, वो सानू सेकंड रेट सिटीजन का दिता गया, सेकंड रेट सिटीजन। कहिंदे ने लोग डरते ने, बादल साहब भी डरनगे, कैप्टन साहब भी डरनगे, मैनू पता वा कि इस तरह की गल करके तो मुकदमा दर्ज किया जा सकता वा, पर जे आप दसांगे ही नहीं दुनिया को, जे साडे देश की सरकार को असी याद ही नहीं करावांगे कि साडे नाल तुसीं वेदे की कीते सीगे, तो हुण तुसीं पिछले 75 साल विच साडा साडे नाल तुहाडा रवैया की है, तो फिर कौन कहेगा मेरे वीरो गल इह? इसलिए मेरे पंजाब के आगू हाथ जोड़ के बेनती है कि ना घबराओ, इस तरह बाद दलील गल करो, आर्गूमेंट करो, हाँ गाली गलोच ना करो, अपना पक्ष ठीक रखो और किसी के धर्म के खिलाफ ना बोलो। सानू तो वैसे ही नहीं सिखाया गया, सरबत का भला गुरु साहब सानू कुट कुट के भर के गए ने, ताइयों तो सिख जड़े ने वो सीरिया च भी फिरी जाते हैं, जिथे दुनिया के म्यांमार हुणे रोहिंगास का माइनोरिटीज़ का बलात्कार होए औरतों के उत्थे पहुंचे हुए थे सिख मदद करने वास्ते। केरला विच फ्लड्स आन, वैसट बंगाल विच साइकलोन आवे, माइग्रेंट लेबर तुर के जाती हो, बिहार में जिते सरकार फेल हो, उस गुरु साहब की दिती हुई विचारधारा के अनुसार सिखा ने पंजाबियों ने सारे धर्मों का सत्कार किया, किसी के खिलाफ नहीं गए बिल्कुल। मैं तुम्हें एक होर छोटी जी गल करके खत्म कर लग्या, जो आनंदपुर साहब का रेजोल्यूशन होया ना, मेरे पिता जी भी अकाली दल में उस वे, जो आनंदपुर साहब का रेजोल्यूशन होया, इस तरह ही जिदा हुण डराउंदे ने ना ज्ञानी हरप्रीत सिंह जथेदार के बयान पर डिबेट्स हो गए, अतवादी वक्वादी अलगवादी, इदा ही आनंदपुर साहब के मते को बगैर किसी ने पढ़न तो, यह तो एंटी नैशनल रेजोल्यूशन है, यह तो देश को तोड़न वाला रेजोल्यूशन है। तो मेरे वीरों आनंदपुर साहब का मता तो गूगल पर अवेलेबल है, पढ़ लो की है, वो सिर्फ बद अधिकार की गल की गई, स्टेट्स की, वो फैडरल ढांचे की गल की गई थी, ताकि हर सूबा प्रफुल्लित हो सके। अज की डेट में सानू वध अधिकार का की देने से, हौली हौली साढ़े अधिकार कटते 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 अज साढ़े को सब कुछ चले गया सेंटर के कोल। आ जिहड़ा हुण कैप्टन साहब ते बादल साहब की कुक्कड़ लड़ाई होंगी ना GST नूं लैके, यह GST साडा अखीरला वित्तीय अधिकार सीगा जिहड़ा केंद्र दी सरकार ने GST बना के साढ़े कोल वित्तीय अधिकार भी कोले। असल में स्टेट्स जिहड़ियां ने वो हुण ग्लोरीफाइड म्युनिसिपैलिटीज़ ने, जिदा म्युनिसिपल कमेटियां होंदियां जिन्हां कोल कोई अधिकार नहीं गा, ताइयों साढ़े ते कर्जा चढ़ रहा, क्योंकि सानू असी टैक्स ही नहीं इकट्ठा कर सकते,
असी अपने रिसोर्सिज नहीं कट्ठे कर सकते और साड़ियां नीतियां बनिया बनाइया दिल्लियों आदि सर्व सिक्ख्या अभियान दिल्लियों रूरल हेल्थ मिशन दिल्लियों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दिल्लियों लेबर की मनरेगा स्कीम दिल्लियों कभी हो सकता वा कि जिहड़ी चीज़ केरला तमिलनाडु के आंध्रा च लागू होंदी आ उही गल पंजाब च लागू हो जाएगी। पैसे वेस्ट हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। सो आनंदपुर साहब के मते विच कुछ भी एंटी नैशनल नहीं सीगा, पर इदां ही ड्रा ड्रा के टीवीज ने मीडिया अनफॉर्चुनेटली आई एम सॉरी टू से बगैर समझे देखे इन्ना डराया कि साढ़े अकाली दल के आगू आनंदपुर के मते नूं ही छड्ड गए। उस मते विच अज भी अच्छी तरह देख लो, उन्होंने कहा सी कि शायद चार डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रखे, डिफेंस, कम्युनिकेशन, फाइनेंस एंड एक होर सीगा कोई शायद एक्सटर्नल अफेयर्स। बाकी सारे महकमे स्टेटा अमेरिका के सारिया स्टेटा अधिकार है, स्टेटा नहीं काउंटीज जिले में अपना अधिकार है, अपना मेयर चुन लेंगे ने, अपनी पुलिस ला लेंगे ने। देख लो कितने पहुंचा हुआ देश। इसलिए मेरे सारे वीरां अज के इस बहुत संजीदा सबजैक्ट मेरी बेनती है, एक तो पंजाब के आगुआ तो इदा डर के घबरा के भजो ना, दलील पेश करो, अपने हकूक मंगो, जो साढ़े नाल वितकरा होया उसका इंसाफ मंगो। तो दूसरा है कि केंद्र सरकार को समझना चाहिए वा, मैं किसी विश पार्टी विशेष को नहीं कह रहा, सारिया ही पार्टियां के लोगों को मेरी अपील है हाथ जोड़ के कि देखो तो सही तुम की कुछ किया साढ़े नाल। ये बाद ये बावजूद भी सिख जिहड़े ने वो पंजाबी ने वो इस देश की तरक्की में सब तो अगे हिस्सा पा रहे। ये समा मंगता कि 36 साल पहला होया बेइंसाफी उसको सैट राइट कर दो। कुछ भी नहीं गा काम, कुछ भी नहीं गा, गवर्नमेंटा चाहन ये हफ्त्या महीनों का काम है सज़ा देनी। इसलिए एक तो वो ठीक करो, एक स्टेटा उन्होंने अधिकार वापस दो। तुम जम्मू कश्मीर जो बिल पास किया फायदा नहीं होया, तुम दसो कि ने जाके जम्मू कश्मीर के बहरलिया ने जाके उ प्रॉपर्टीज़ से जमीन लै रही ने लिया किसी ने। थोड़ा मकसद तो यह सगा कि 370 धारा तोड़ के जम्मू कश्मीर के दो टोटे करके जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरेटरी बना के असी उत्थे डेमोग्राफिक चेंज लियावांगे, असी बाहरों भारत विचों बंदे भेज के उत्थे वैली दे विच उन्हां दी आबादी का संतुलन खत्म कर देंगे। कोई गया उत्थे, कोई जाएगा उत्थे? इस तरह के भयभीत माहौल में उन्हां नाल एक मजाक होया, उन्हां दे जख्मां ते जिद्दां जेन्युइनली किसी नूं कहिंदे कि लूण छिड़कण दे बराबर वो सारी गल की गई है, उसनों भी सुधार करना चाहिए। वो भी माइनोरिटीज़ ने, वो भी इस देश में घट गिनती ने। जे आपां घट गिनतियां इस तरीके नाल टेररइज करांगे स्टेट टेररिज्म के थ्रू, आ जिहड़ा सिटीजन अमेंडमेंट बिल आया CAA कल्ले एक मुसलमानों नूं टारगेट करके कहता कि तुहानूं असीं नागरिकता नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? की कर दिता उन्होंने? जिहड़े बैठे ने सारे देश में की माड़ा किया उन्होंने? कि उन्होंने बाकी नागरिकां वांगू टैक्स नहीं दिता, या उन्होंने इस देश की हिफाजत में फौजां च नहीं गए? बहुत सारे मुसलमान फौज में फड़दे ने। सो मैं जात पात धर्म में फिर नहीं जाना चाहता, असी सब का सत्कार करते हैं, पर जिहड़ा ज्ञानी हरप्रीत सिंह जथेदार अकाल तख्त साहब, वैसे नॉर्मली आई डू नॉट सपोर्ट जथेदार जिहड़े बादल साहब के SGPC के अपॉइंटेड ने, पर उन्हें गलबात दलील की है, मैं उन्होंने इस दलील की तारीद करता वा और फिर रीइटरेट करता वा कि सानू इंसाफ मिलना चाहिए वा। ताइयों ये मंगा उठदियां ने, ये मंगा उठन की लोड़ ही ना पवे, भारत सरकार इस तरह ना डील करे कि ये मंगा नू उठन वास्ते नौबती ना आवे। मैं उम्मीद है कि जिहड़े पंजाब दे आगू ने वो, मैं कोई ज़्यादा सियाणा नहीं गा, पर इन्ना घबराहट विच आण के अपने ही टब्बरां ते उंगलियां चक लैणियां या अपने ही लोगों नू अतवादी ते वक्खवादी ते पता नहीं की कुछ इल्जाम ला देना शुभता नहीं। उम्मीद करता जिहड़े समझदार लोग ने, चाहे वह मेरे हिंदू भरा ने, चाहे वह मुसलमान ने, चाहे सिख जैनी बोधी, जिहड़े समझदार ने वो इस गल नू एक पॉजिटिव परस्पेक्टिव च रहन, नैगेटिव च नहीं लैणगे। तो जिहड़े ना समझ ने, जिन्होंने सौं खाधी आ कि असीं गाल कढ़नी आ अपनी धी भैण आप ही गाल कढ़नी, आप ही उन्होंने सामने जो लिखा तुहाड़ियां धीआं भैणां पढ़नियां, उन्हां नू खुली आजादी कि तुसीं जो कुछ मर्जी लिख सकते हो। और फिर मैं रीइटरेट करदा कि पंजाब नू एक खेतरी पार्टी की जोड़ है जिहड़े तुहाडे हकूक नू सही मायनियां विच डिफेंड कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया सारिआं दा, धन्नवाद, थैंक यू।